सामने आया 6 फिल्मों में एक साथ काम करने का सवाल तो बोली भूमि, मैं अपने सिर्फ 4 फिल्मों की रिलीज के साथ ही हिंदी सिनेमा की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी भूमि पेडनेकर अब अपना ग्लैमरस अवतार दिखाने के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं। अगले एक साल में उनकी 6 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और अपनी हर फिल्म में वे कुछ अलग करके दिखाने के लिए इन दिनों दिन रात मेहनत भी कर रही हैं। किसी फिल्म का चयन करने से पहले भूमि उसमें क्या देखती हैं? ये पूछे जाने पर भूमि कहती हैं, एक कलाकार के रूप में मैं लगातार अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में रहती हूँ। मुझे किसी भी फिल्म में दूसरी किसी चीज की तरफ नजर घुमाने से पहले इसकी कहानी दमदार चाहिए होती है। मैं हमेशा कंटेंट के पीछे भागती रही हूँ और सौभाग्य से मुझे देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं का विश्वास भी इसके लिए प्राप्त हुआ। मेरी अगली हर फिल्म एक अलग कहानी है। इनमें से हर एक फिल्म में दर्शकों का मेरा एक अलग रंग रूप नजर आएगा। एक कलाकार की संतुष्टि इसी बात में है कि इस एक जीवन में वे अभिनेता होने के चलते कितने किरदार जी सकता है। अपनी पहली ही फिल्म दम लगा के हमेशा से अपने शरीर के साथ किरदारों में ढलने के प्रयोग करती रही भूमि कहती हैं, दर्शकों के लिए सिनेमा का ये बेहतरीन समय है। वे अच्छे सिनेमा का आनंद उठा रहे हैं और एक कलाकार के लिए भी सिनेमा का यह काफी अच्छा समय है। अपनी पहली फिल्म से मैंने ऐसे किरदार किए जो मजबूत हैं और फिल्म की कहानी पर एक असर डालते हैं। मैं अपने करियर के बेहतरीन दौर में हूं और मैं अपनी हर एक फिल्म में अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहती हूं। भूमि की आने वाली फिल्मों में बाला समय से पहले गंजे हो जाने पर एक सामाजिक व्यंग्य है, डॉली किट्टी और वो चमकाते सितारे महिलाओं के सपनों और आकांक्षाओं के बारे में एक ड्रामा है, सांड की आंख एक बायोपिक है जिसमें वे दुनिया की सबसे वृद्ध शार्प शूटर की भूमिका निभा रही हैं, पति पत्नी और वो एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसके बाद बारी आती है मल्टी स्टारर फिल्म तख्त की जिसमें उन्हें करण जौहर निर्देशित करेंगे।